हजरत शाह शराफत मियां की दरगाह के सज्जादानशीन हजरत सकलीन मियां के आखिरी सफर पर उनके दुनिया भर के मुरीद उनकी नमाज जनाजा में शरीक हुए। चाहनों वालों ने अपनी नम आंखों से अपनी पीर मुर्शीद को अलविदा कहा। सकलीन मियां के विसाल की खबर के बाद देश दुनिया के तमाम चाहने वाले उनके आखिरी दीदार के लिए इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर पहुंचे। इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर लोगों का दूर तक हुजूम नजर आ रहा था। गाड़ी में रखकर उनके पार्थिव शरीर को इस्लामिया के मैदान लाया गया, जिसमें मियां हुजूर के चाहने वाले उनकी गाड़ी के आगे चलकर गाड़ी को इस्लामिया मैदान तक ले जाने का रास्ता खोज रहे थे। जिसके बाद सुबह 10 बजे नमाज जनाजा अदा हुई। जो जहां खड़ा था उसने वहीं से खड़े होकर नमाज जनाजा अदा की। इसके बाद उनको दरगाह परिसर में सुपुर्द एक खाक किया गया। 54 साल तक दरगाह के सज्जादानशीन रहे सकलेन मियां का अचानक हुए इंतकाल से उनके मुरीद स्तंभ रह गए थे। वहीं इससे पहले रविवार सुबह से ही सकलेन मियां के चाहने वाले उनके आखिरी दीदार के लिए बरेली की सरजमीन पर पहुंचने लगे थे। लोगों की भारी भीड़ अपने पीर मुर्शीद को देखने को बेताब दिखी। जैसे ही जनाजा बाहर निकाला गया, उस खामोशी के सन्नाटे को चीरती हुई मुरीदों के रोने की आवाजें बुलंद हो गई। लोगों को अपने पीर के छोड़ जाने का मलाल था, तो वहीं दूसरी तरफ लोग एक दूसरे से गले मिलकर थारस बांधा रहे थे। इस गमगीन माहौल में जनाजा दरगाह से मनिहारों की गली, उसके बाद कुतुब खाना चौराहे होता हुआ जिला परिषद मार्ग से इस्लामिया मैदान पहुंचा। इस बीच रास्ते भर लोगों का हुजूम अपने पीर मुर्शीद के जनाजे के वाहन को छूकर आंखों से बोसा देते हुए रास्ते पर चूमते हुए आगे बढ़ते। मुरीदों को अपनी जान की परवाह भी नहीं थी, बस उनको उस वक्त मियां हुजूर का आखिरी स्पर्श चाहिए था। जनाजा जहां से गुजरा वहीं की छतों पर मकानों पर खड़े होकर लोग मियां हुजूर को अंशकों से पुरसा दे रहे थे। जनाजा जब इस्लामिया के मैदान पहुंचा, चाहनों वालों के कदम वहीं ठहर गए। नमाज जनाजे के लिए ऐलान हुआ। कॉलेज के मैदान पहुंचने के बाद साहबाजादे शाह गाजी मियां सकलीनी ने मियां हुजूर के जनाजे की नमाज अदा कराई। दुआ के बाद जनाजा उसी रास्ते से वापस होता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचा। दरगाह परिसर में सकलेन मियां को सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान मियां हुजूर के जनाजे में पुलिस की पूरी तरह से मौजूदगी रही। 3 थाना प्रभारी के साथ 300 पुलिसकर्मी तैनात रहे। वहीं इस गम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने शिरकत की।